मार्कसंस फार्मा, नंदलाल महिया जी का सवाल है और इन्होंने 1150 शेयर खरीदे हैं 66 रुपए के भाव पर। 1 साल का इनका नजरिया है, बताइए इनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? तो छियासठ रुपए जी। आप प्रॉफिट में हैं भैया साहब, तो अच्छा है, प्रॉफिट को बना के रखिए। और मुझे लगता है कि आपको एक बढ़िया सा 71 रुपीज पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना लेना चाहिए, और बने रहिए। और अगर ऊपर चला गया, पहला तो 71 हो गया, और अगर ऊपर चला गया तो फिर स्टॉप लॉस को रिवाइज करके मुझे लगता है 74 ऑन क्लोजिंग बेसिस करके फिर से इसको ट्रेल कर सकते, बाकी ट्रेल कर ट्रेड सकते। करिए इसमें, और मैं तो फिर वही पूछूंगा, ऑब्वियस सा सवाल पूछने की जरूरत है या आप खुद ही समझ गए सुमित जी? बच सकता है, बच सकता दर्शक भी समझ गए होंगे, लेकिन बता दें, कटोरी बनने की बात पूछ रहा हूँ। मतलब ये कि क्या इसमें राउंडिंग बॉटम बन सकता है? अब राउंडिंग बॉटम बनेगा तो फिर क्या होगा? ऊपर जो पहले जहाँ पर टॉप बनाया था उस टॉप को दोबारा छूने की कोशिश, इसका मतलब यही होता है। किताबी रूप से मतलब होगा या नहीं होगा, मैं कोई भविष्य दृष्टा तो हूँ नहीं, लेकिन जो इस तरह की संरचनाएं बताती हैं आमतौर पे ऐसी संरचनाओं में क्या होता है, उसके हिसाब से मेरा ये सवाल कि क्या ये वापस अपने उस टॉप को छू सकता है? तो सुमेश जी कह रहे हैं कि हाँ, संभावना बन सकती है। तो उस संभावना के लिए कंफर्मेशन क्या हो चुकी है या अभी कोई लेवल का इंतज़ार करना होगा, या नीचे कोई स्टॉप लॉस? अगर उस तरह के बड़े लक्ष्य को ध्यान में रखना है तो नीचे फिर स्टॉप लॉस भी कोई गहरा होगा। नहीं अभी उसकी पॉसिबिलिटी इसलिए मैं नहीं कह सकता बने। देखिए मैंने इसलिए बोला बन सकता है बिकॉज मैंने थोड़े से एक दो हफ्ते पहले डिस्कशन में बताया था कि फार्मा एज ए सेक्टर अपना 2 साल का कंसोलिडेशन करेक्शन खत्म करके आ रहा है, जी तो अगर उसको टेलविंड मिलेगा तो जा सकता है। लेकिन इस क्वार्टर का रिजल्ट इनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा बिकॉज ऑन रिलेटिव वैल्यूएशन स्टैंडपॉइंट स्टॉक महंगा चलने लगा, तो अगर यहां से इनको रिजल्ट का सपोर्ट नहीं मिला तो फिर धड़ाम है। ऐसा नहीं पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन जो वैल्यूएशन करेक्शन वाला 10-20% का होना चाहिए वो जी सब हो जाएगा। तो उस चीज का ध्यान रखिएगा कि रिजल्ट डिसअपॉइंट नहीं है। बाकी थोड़ा कंसोलिडेशन का टाइम आ गया है यहाँ से, इसका बहुत ज्यादा नहीं, तो अगर ईगो। रिजल्ट डिसअपॉइंट करेगा तो नीचे कोई लेवल भी तो ऐसा होगा ना जो टूट जाएगा, वो लेवल कैसा होगा? रिजल्ट के बेसिस पे ही कह सकते हैं आज के तारीख में जो लेवल है वो 69 रुपीज का। जी, तो फिलहाल 69 का ध्यान रखिए, उसके नीचे जाने पर ये सब ऊपर की बातें छोड़ करके पहले नीचे देखना पड़ेगा कि नीचे कहाँ तक जा सकता है। तो उस हिसाब से क्या इनके लिए मतलब 69 एक फाइनल स्टॉप लॉस की तरफ से देखा जाए? 69 का सपोर्ट है, 1 रुपए नीचे स्टॉप लॉस रखना चाहिए 68, उसमें नीचे जी क्लोज हो फिर ट्रेंड चेंज हो। चलिए, तो 68 तो भी आप 2 रुपये फायदे पे ही निकलेंगे। 1 साल का नजरिया है तो 1 साल में ये कटोरी बन जाएगी क्या? ऊपर से नीचे आने में कितना समय लगा था? इसको लगा था जून 2021 से लेकर के जून 2022, तो इसे 1 साल लगे थे ऊपर से नीचे आने में। अब वहाँ से भी तो अच्छा खासा समय हो चुका है, तो 1 साल में तो उस हिसाब से देखें, टाइम फ्रेम के हिसाब से तो मतलब इनके लिए अच्छी उम्मीदें फिर भी बन ही सकती हैं। सब कुछ दारोमदार है कि रिजल्ट सपोर्ट करता है या नहीं। सही बात, रिजल्ट सबसे जरूरी है। जी, रिजल्ट का सपोर्ट मिला तो फिर कहानी ठीक बन जाएगी, ये बात अभी इसमें सामने आ रही है।